नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और मैं आपके लिए लाया हूँ DLED सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी टेस्ट सीरीज, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक हुआ। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? ये देखिए, ये क्वेश्चन DLED 2020 की परीक्षा में पूछा भी गया था। तो ऑप्शन ये ए है आपका दृश्य काव्य, ऑप्शन बी है श्रव्य काव्य, और ऑप्शन सी है आपका ए आ या बा दोनों, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा यानी कि दृश्य काव्य भी होता है, काव्य को बांटा जाता है जब, तो श्रव्य काव्य भी होता है, यानी कि ऑप्शन सा आपका सही होगा, सी आ और बा दोनों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, पठन का अर्थ है। ऑप्शन ए है आपका सस्वर वाचन, ऑप्शन बी है मौन वाचन, ऑप्शन सी है आपका ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पठन का मतलब सस्वर वाचन भी होता है और मौन वाचन भी होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? ये भी क्वेश्चन आपके DLED 2020 की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा रिपीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, मौन वाचन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है वाचन गति का विकास, ऑप्शन बी है पठित सामग्री का अधिग्रहण, ऑप्शन सी है आपका वाचन का अभ्यास, और ऑप्शन डी है आपका आ और वा दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। तो यही आप करेक्ट होगा, यानी कि मौन वाचन का मतलब होता है वाचन गति का विकास और पठित सामग्री का अधिग्रहण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है। ऑप्शन ए है आपका उपसर्ग, ऑप्शन बी है प्रत्यय, ऑप्शन सी है संधि, ऑप्शन डी है समास। और ये क्वेश्चन आपका DLED 2020 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसमें जो भी करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यय, यानी कि ऐसा शब्द जो किसी शब्द से निकल के उसका अर्थ बदल देता है वही प्रत्यय कहलाता है। और पांचवा है क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है क्रिया। तो आप सबको पता है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर छठा है आपका, स्रा संयुक्त अक्षर निम्नलिखित व्यंजन के मेल से बनता है। ऑप्शन ए है स प्लस रा प्लस आ। आप यहाँ पे चारों ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सा प्लस रा प्लस आ। ये भी BTC 2015 की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सातवां है, उस 2015 में पहले BTC बोला जाता था, बाद में जो है इसे DLED बोला जाने लगा। ऑप्शन सातवां है आपका, खा का उच्चारण स्थल है। ऑप्शन ए है दंत, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है कंठ, ऑप्शन डी है ओठ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंठ। जब भी आप खा बोलते हैं तो कंठ से बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर आठवां है आपका, मुद्रा शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है अंगूठी, ऑप्शन बी है रुपया, ऑप्शन सी है आकृति, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यानी कि मुद्रा अंगूठी को भी कहा जाता है, रुपया को भी कहा जाता है, आकृति को भी कहा जाता है, यानी कि ये तीनों आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नौवां है आपका, अज शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है दशरथ के पिता, ऑप्शन बी है आज, ऑप्शन सी है अजगर, ऑप्शन डी है आजीवन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका दशरथ के पिता, यानी कि अज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दसवां, गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है उपन्यास, ऑप्शन सी है निबंध, ऑप्शन डी है संस्मरण। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कहानी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।